हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ऐसा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो शाम हो गई है और हम लोग छत पर हैं और बादल का नज़ारा देखो, बादल कैसे हैं। और ये देखो, बरसात का मौसम काफ़ी अच्छा होता है यार। देखो बादल काफ़ी अच्छे लगते हैं और यही घूम रही है कुहू। हेलो कुहू। तो ये इवनिंग में इसके पापा आ जाते हैं तो ये इसी इन्हीं के साथ रहती है, घूमती रहती है। शाम हो जाती है तो हम लोग छत पर घुमाते रहते हैं, साथ तीनों लोग साथ में घूमते रहते हैं। और अभी जाके मुझे बनाना है कुछ खाने को, तो समोसे बनाने की तैयारी हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ समोसे बना लूँ, तो चलो पहले समोसे बना लेते हैं फिर मिलते हैं। और यहाँ मेरी पहले से ही तैयारी हो रखी थी, मैंने मैदा लगा के रखी थी और आलू की सब्ज़ी भी बना के रखी थी। मैं फ्राई करके ये आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ समोसे के लिए। तो यहाँ मैं लोई, छोटी सी लोई काट के बेल लूँगी। एक लोई से दो समोसे बन जाते हैं आराम से। तो ये मैंने लंबा लंबा थोड़ा सा और उसको बेल लिया है मैदे को। उसमें मैदे में थोड़ा सा मौन लगाया था और थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। उसके बाद बीच से कट करके और ये जॉइंट कर देंगे थोड़ा सा पानी लगा के, ताकि ये खुले ना फ्राई करने में। और ऑयल भी गर्म हो रखा है तो इसको मैं भर दूँगी। और यहाँ क्या हुआ, मैंने एक ही समोसा बना पाया और देखो ये रोने लग गई है। तो ये मेरे पास आएगी और अभी देखो समोसे बनाने मेरे पति देव आ गए हैं। आ गई है मेरे पास, तो मेरी ड्यूटी खत्म हो गई समोसे बनाने की। और देखो ड्यूटी पर कौन लगा हुआ है, तो अभी देखते हैं कैसे समोसे बनाए जाते हैं। तो कैसे समोसे बन गए? अरे लंबा लंबा भेज दो ना उसको, उसको लगा के वो गरम ना हो जाए कढ़ाई। क्या होता है ना, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं मिल बांट के काम, बीच में बनाते बनाते ये परेशान करने लगती है तो मुझे लेना पड़ता है। वैसे तो ये लिए रहते हैं, जब रोने लग जाती है तो मुझे लेना पड़ता है, तो मैंने उसको ले लिया। और तब तक ये कर लेंगे। देख कितने समोसे बनाओगे? पाँच छः? चलो बस हम लोग इतने ही खा पाएंगे, दो दो या तीन तीन, छोटे छोटे बन रहे हैं क्योंकि, तो बस इतना ही खाएंगे। तो अभी यहाँ पर बन के तैयार हो गए हैं समोसे, फ्राई भी हो गए हैं, हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लेते हैं। तो अभी देखो मेरे समोसे तैयार हैं बनकर, अभी हम लोग जाएंगे खाने के लिए। तो चलो मिलते हैं खाने पर। और आज का मौसम था काफ़ी सुहाना सा, तो हम लोग आज बालकनी में बैठकर ही एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा गपशप करेंगे क्योंकि पूरे दिन में ही टाइम मिलता है साथ में बैठ के बातें करने का, एंजॉय करने का। और देखो साइड में ही लिटाए हुई हूँ चेयर पर कुहू को, तो ये अपना अपने में ही मस्त है खेलने में। वहाँ पर कुछ टॉयस टांगे हुए थे तो ये वही खेलती रहती है। अभी हम लोग करेंगे स्नैक्स एंजॉय, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हे गाइस, तो देखो अभी पता है कितनी रात हो गई है, 11 बज रहे हैं रात के और कुहू सो गई थी। तो इनके काफ़ी दिनों से बाल नहीं कटे हुए हैं, ये सैलून नहीं जा रहे हैं इसकी कोविड के डर से, तो ये काफ़ी दिनों से बाल लंबे हुए थे। तो मैं काफ़ी दिनों से फोर्स कर रही हूँ, लाओ मैं काट दूँ काट दूँ, ये तो ये मानते नहीं थे। एटलीस्ट आज वो दिन आ गया है कि इन्होंने हाँ कर दिया है कि लो काट दो, बट मुझे काटने नहीं आते हैं। बट ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं है, मैं ये पोनी टेल बना लूँगी छोटी छोटी आगे की हेयर की और पीछे की हेयर की। तो देखते हैं कैसे कटते हैं, कोई भरोसा नहीं कैसे कटेंगे क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ। आई डोंट नो, डर तो लग रहा है कि कहीं बिगड़ ना जाए तो काफ़ी डांट पड़ेगी।
और अभी देखो आगे चलकर देखते हैं कैसे करते हैं, आप लोग देखते रहिए। ये भी कह रहे थे कि तुम्हें नहीं काट पाने हैं, बट तो ये कपड़ों पे ना गिर जाए इसकी वजह से मैंने ये न्यूज़पेपर लगा दिए हैं, क्योंकि हेयर छोटे छोटे होते हैं तो कपड़े सारे गंदे हो जाएंगे, तो इसको स्टेपल्स कर देंगे। हंसी आ रही थी कि कहीं बिगड़ ना जाए, ये भी सोच रहे थे बिगड़ने वाले हैं आज तो बाल, क्योंकि काफ़ी लंबे हो रखे थे। थोड़ा छोटा होते तो सेफ समझ आ जाता कि कैसे कटे हुए थे पहले से, बट काफ़ी लंबे थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट मैंने तो काट दिए ये छोटी छोटी चोटियाँ बना के इसको सेम साइज में काट दे। ये कितने क्यूट लग रहे हैं ना, ये चोटियाँ कितनी क्यूट लग रही हैं, फ्लावर फ्लावर बन गए हैं अच्छे अच्छे से। और क्या होता है ना कि अपने बालों की कोई टेंशन नहीं रहती है। मैं अपने ये जब से लॉकडाउन चल रहा है मैं 2 बार कटिंग कर चुकी हूँ अपने बालों की, तो इतनी टेंशन नहीं होती थी, आराम से कट जाते थे और काफ़ी अच्छे कटते थे। पर जेंट्स हेयर कटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब ये पीछे से काफ़ी छोटे होते हैं, आगे से थोड़ा बड़ा करना होता है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अपनी टेंशन भी नहीं रहती है, इनको जाना पड़ता है ऑफिस तो ये लगता है कि कहीं बिगड़ गए। मैंने तो काट दिए लंबे लंबे यार, और आखिरी में थोड़े से बिगड़ गए थे, ऊपर के थोड़े से छोटे हो गए थे और पीछे ये पता नहीं चौकुल चौकुल कटवाते हैं, बट मैंने गोल कर दिए थे पीछे से, बट ठीक है कट गए हैं। काम चलाऊ ओनली, इनको जाना ही पड़ेगा सैलून पे कटवाने के लिए। गुस्सा भी हो रहे थे क्योंकि बिगाड़ दिए मेरे बाल, बिगाड़ दिए, बट ठीक था बिगड़े नहीं थे, थोड़ा सा छोटे हो गए थे आगे के बाल, आगे के नहीं जो बीच में ये साइड में जो पार्टीशन होता है ना वहाँ थोड़े छोटे हो गए थे। तो बस मैं अपना ब्लॉग यहीं पर फिनिश करती हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।